व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी रो होती है, वो कह रहा है रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं? नहीं डिफाइन अगर बोलूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच हैज लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. तो पॉइंट इज दिस, अगर एक 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 कंडक्टर है तुम्हारे पास जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस. तो डेफिनेशन लिखो और ये डायग्राम भी बनाओ. तो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर. रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Resistance of 1 meter long conductor having area of cross section 1 meter square. 1 meter long conductor with an area of cross section 1 meter square. बस full stop. Clear है ये वाली बात? Next. When a reading of the ammeter decreases to the half when length of the wire is doubled by, तो ammeter measures current. ठीक है, करंट रिड्यूसेस व्हेन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. तो दैट मींस रेजिस्टेंस हैज डबल्ड. रेजिस्टेंस क्या हो गई है? डबल हो गई है. और रेजिस्टेंस हैज डबल्ड वो हम प्रूव कर सकते हैं कैसे? ओरिजिनल रेजिस्टेंस था आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए और नई रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू 2 रो एल बाय 2 एल. को एल को बाहर कर दिया था तो दिस बीइंग आवर 2 आर. तो द थिंग इज we have proved ki resistance has doubled so current will half. Current kya ho jayega? Half. To length badalne, length double karne se hamare paas ye cheez hai. Area of cross section nahi, length bola, area bola tha. Theek hai, length hi bola tha. Aur upar se koi aur question nahi tha kya? Theek hai, bas yehi hai.